देख रहे हैं आप, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सीधी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मिड डे मील खाने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, उल्टी बुखार, उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित हैं सभी बच्चे। इन छात्रों को उमरिया के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। पांच बच्चों की हालत गंभीर है। आदिवासी वनांचल कुसमी के कचपेच गांव का ये पूरा मामला है। सीधी से बड़ी खबर, मिड डे मील फूड पॉइजनिंग का मामला शुरुआती तौर पर जान पड़ता है। बच्चों की तबीयत खाना खाने के बाद बिगड़ती चली गई, उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित हैं ज्यादातर बच्चे। इन्हें उमरिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। पांच छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आदिवासी वनांचल कुसमी के कचपेच गांव का ये पूरा मामला। सीधी से बड़ी खबर, कई सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद। मिड डे मील खाने के बाद ये माना जा रहा है कि बच्चों की तबीयत खराब हुई है। बच्चों की तबीयत खाना खाने के बाद बिगड़ती चली गई। हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, पूरी जानकारी। बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आदिवासी ग्रामीण इलाकों में मध्याह्न भोजन खाने से इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, तो पूरे जिले में आदिवासी के साथ ही नहीं, पूरे जिले भर में जो मिड डे मील की स्थिति है वो वाकई पूरी खराब स्थिति है। यही कारण है कि मिड डे मील का जो मध्याह्न भोजन होता है उसको खाने से यहाँ छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि इन छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें उपचार के लिए जो परिवारजन है उनके द्वारा जो आजमाइश की गई और बेहतर उपचार मिल सके, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इन्हें बेहतर उपचार मुहैया नहीं कराया जा सका है। यही वजह है कि आदिवासी इलाके की उमरिया जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ अभी सभी बच्चों को रखा गया है जिनका उपचार कल से जारी है। उसमें भी पांच जो छात्र ऐसे हैं जिनका जो है तो हालत गंभीर हो रही है, लेकिन प्रशासन अभी कुछ इसमें तत्परता नहीं दिखा रहा है कि आखिरकार बच्चों की जो स्वास्थ्य है उनकी स्थिति में सुधार आ सके। ललित, हरीश, कोई रिएक्शन मिल पाया प्रशासनिक अधिकारियों का? ये गंभीर मामला है, जांच इस पर होनी चाहिए, मिड डे मील की पड़ताल होनी चाहिए, बनाने के तरीके की पड़ताल होनी चाहिए। हरीश, बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि जो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें पड़ताल होनी चाहिए, पड़ताल की जरूरत भी है, क्योंकि जिले भर में स्थिति जो है मध्याह्न भोजन की वो वाकई पूरी तरीके से खराब स्थिति है, और ऐसे में समय समय पर अगर इसकी जांच परख होती तो इस तरीके से घटना निकलकर सामने नहीं आती है। और यही कारण है कि अब इसमें जांच परख का भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई हवाला तो नहीं दिया है, लेकिन देखना होगा ललित कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिर जिला प्रशासन क्या कुछ रुख अख्तियार करता है और क्या कुछ इस पूरे मामले में जांच परख कर कार्यवाही करता है। ललित, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर छतरपुर से बड़ी खबर, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बदमाशों के अड्डे से ये अवैध हथियार मिले हैं, 8 देसी कट्टे पुलिस ने बरामद किए हैं। कई लोग इसमें पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। चुनावी सीजन के बीच लगातार इस तरह का घटनाक्रम, इससे पहले धार में इस तरह का मामला सामने आया, झाबुआ में इस तरह का मामला सामने आया, अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, और अब छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बदमाशों के अड्डे से 8 देसी कट्टे पुलिस ने बरामद किए हैं। और भी सामान बरामद हुआ है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है, आगे ये अपडेट भी आपको देंगे। कई लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए, पूछताछ इनसे की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 8 देसी कट्टे पुलिस ने बरामद कर लिया। छतरपुर से बड़ी खबर, चुनावी सीजन में लगातार अवैध हथियारों की बरामदगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब छतरपुर में बदमाशों के अड्डे पर दबिश दी गई, तब यहां हथियार, अवैध हथियार मिले हैं। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, पूरी जानकारी। देखिए ललित, ऐसा है, छतरपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि जो सुटी कोतवाली थाना अंतर्गत कांटी गांव पड़ता है वहां पर एक जगह अवैध हथियार रखे हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी तो वाकई में मौके पर पुलिस को 8 देसी कट्टे बरामद हुए हैं, कुल अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 315 बोर के देसी कट्टे हैं और एक 12 बोर की अद्दी यानी अद्दी बंदूक है जिसको पुलिस ने यहां पर जब्त किया है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहाँ पर कारतूस भी आरोपियों के कब्जे से बरामद किए हैं। तो कुल मिलाकर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई
रही है वो पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के निर्देशन में है। पूरी कार्रवाई को सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। एसपी जो अमित सांगी है उनका कहना है कि इनका जो पूरा नेटवर्क है, ये कहां से हथियार लाते थे, किसको सप्लाई करते थे, चूंकि सामने विधानसभा चुनाव है तो उसमें किसी तरह का कोई उपद्रव या अप्रिय घटना ना हो, उसके मद्देनजर यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप नरेंद्र जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, जिंदा कारतूस भी मिली है। जिंदा कारतूस का मिलना ही ये दिखाता है कि बिना मिली भगत के या बिना सरकारी संरक्षण के या बिना सरकारी सहयोग के ये हो नहीं सकता। नरेंद्र ललित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से जो मामला सामने आया है या इससे पहले जो भी आते थे, कहीं ना कहीं इनको आरोपियों को या अवैध हथियार का जो शौक रखते हैं या जो इस पूरे कारोबार को अंजाम देते हो, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण रहता है। लेकिन जब से जिले में पुलिस अधीक्षक अमित सांगी आए हुए हैं, तब से लगातार अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ और भूमाफियाओं के खिलाफ या किसी तरह का कोई अन्य माफिया उसके खिलाफ लगातार यहाँ पर कार्रवाइयां जारी है। विधानसभा चुनाव सामने हैं, इसके मद्देनजर पुलिस यहाँ पर बिल्कुल एक्शन में है। कहीं से भी कोई भी सूचना मिलती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। चलिए, ये बात सही है, ये आप सही कह रहे हैं कि अमित सांगी का काम करने का तरीका दरअसल कुछ ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आठ लोग इस पूरे मामले में, इसमें प्रमुख जो मुख्य आरोपी है वो भी बताया जा रहा है। हालांकि इन आठ लोगों से पूछताछ की जा रही है, कहां से हथियार लाकर, कहां पर इन्हें खपाया जाता था, किस तरीके से ये पूरे काम चल रहे थे। ये बरामदगी के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें पूरी तरह से सबूत के तौर पर इसे रखा जाता है। आठ कट्टे बरामद हुए हैं, देसी कट्टे हैं ये, जिंदा कारतूस बरामद हुई हैं, आठ लोग गिरफ्तार किए गए, पूछताछ इनसे की जा रही है। तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम और जो ग्वालियर का गोपाल मंदिर है उसमें आकर्षक साज सज्जा की गई है। दोनों मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। अगर ग्वालियर की बात कर ली जाए तो फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण में का जो श्रृंगार यहाँ पर होता है वो तकरीबन 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों से होता है। जन्माष्टमी पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार इन्हीं गहनों से किया जाता है और बैंक से ये गहने निकालने पड़ते हैं। 24 घंटों के लिए ये गहने बैंक से बाहर होते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। सिंधिया रियासत के समय के ये जेवरात हैं, इनमें हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक, पुखराज ऐसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। तो अलग अलग जगहों पर जन्माष्टमी की धूम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाहर पूरे देश में, मथुरा में जन्माष्टमी की धूम है, हैदराबाद के इस्कॉन मंदिर में भी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, इस्कॉन टेंपल, इस्कॉन हैदराबाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अद्भुत तरीके से यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके अलावा मथुरा की भी तस्वीरें दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। आकर्षक झांकियों के साथ मंदिर सजे हुए हैं, जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दो अलग अलग तिथियों पर मुहूर्त इस बार थे, 6 और 7 तारीख को दो अलग अलग तिथियों में अपने अपने मत आस्था के मुताबिक, विश्वास के मुताबिक ये जन्माष्टमी मनाई गई। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, 10 जगहों से और तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हुआ। अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक साथ आपकी स्क्रीन पर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, उज्जैन, बद्रीनाथ, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मुरादाबाद, धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बाल गोपाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है।
साज सज्जा, विशेष सजावट, विशेष आयोजन, विशेष प्रोग्राम अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें एक साथ आपकी स्क्रीन पर। और जैसा कि हमने जिक्र किया, इस्कॉन टेंपल अलग तरीके से बाल गोपाल का जन्मदिन झूमते गाते मनाया जाता है। इस्कॉन की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेंपल नोएडा, इस्कॉन टेंपल दिल्ली, वहां की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। एक खास बात और, ग्वालियर में फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण का जो श्रृंगार किया जाता है वो 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों के जरिए होता है। जन्माष्टमी पर गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करते हैं। बैंक से मंदिर के लिए सिर्फ 24 घंटे के लिए जेवरात निकलते हैं, 100 करोड़ के जेवरात। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें मंदिर में ट्रांसफर किया जाता है। ये परंपरा सिंधिया रियासत के दौर से चली आ रही है। सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक, पुखराज ऐसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। इधर इंदौर के इस्कॉन टेंपल में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण भक्त भजनों पर झूम रहे हैं। भगवान कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भारी उत्साह का माहौल है। हम इस वक्त इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। आप यह देख सकते हैं कि किस तरीके से भजन चल रहे हैं, किस तरीके से लोग आनंद में हैं, किस तरीके से लोग कृष्ण जी के भजन गा रहे हैं, किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव भव्यता से मनाया जा रहा है। यहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं और सभी लोग कृष्ण भक्ति में लीन हैं और बहुत ही भव्यता से कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार किया गया है, विशेष श्रृंगार किया गया है, बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार किया गया है। इस्कॉन टेंपल से कैमरामैन डगलस के साथ हिमांशु जोशी, न्यूज 18 इंदौर। इधर भोपाल में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। राधा कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार, बरखेड़े स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को स्वर्ण और मोती जड़ित वस्त्र पहनाए गए। कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राओं का आयोजन भी हुआ। जन्माष्टमी के त्योहार की पूरे देश भर में धूम है। राजधानी भोपाल में भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा उनके बाल रूप में होती है और राधे कृष्ण भगवान की पूजा भी की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि राधे कृष्ण भगवान के जो मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भगवान की पूजन अर्चन का जो दौर है, जो कार्यक्रम है, वो जारी है और भोपाल के बरखेड़ी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भगवान का बहुत सुंदर स्वर्णिम श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चन कर रहे हैं। काफी मान्यता भी आज के दिन की है। जो समिति के सदस्य हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या विशेष श्रृंगार आज के दिन भगवान का किया गया है। मेरा नाम संतोष यादव, मैं अहिर यादव समाज का अध्यक्ष। विगत कई वर्षों से प्रभु की कृपा है, मेरे ऊपर अपार आशीर्वाद है। मैं इस बार भगवान की जो आप पोशाक देख रहे हैं इसमें मैंने सोने का वर्क का काम किया है और सीप के मोतियों द्वारा भगवान के एक एक मोती पर होकर भगवान की पोशाक तैयार की गई है। इस पोशाक को बनाने में मेरे को विगत 40 दिन का समय लगा है। आज बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अभी आए हैं। हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। माताएं बहने पीले वस्त्रों में आई हैं, अपने सर पर लड्डू को गोपाल को रखकर, भगवान को पालकी में रखकर नृत्य करते हुए भगवान का जुलूस प्रारंभ हो चुका है। मैं आपके चैनल के द्वारा से माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जुलूस में पधारकर धर्म का लाभ अर्जित करें। तो देखिए, जो भक्ति है, जो उत्सव है, जो उल्लास का माहौल है वो यहाँ पर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चन भी कर रहे हैं और भगवान का स्वर्णिम श्रृंगार भी आज के दिन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
और खबर भोपाल से, सीएम शिवराज सिंह चौहान बरखेड़ी के राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे। भगवान श्री राधा कृष्ण का उन्होंने पूजन किया। सीएम शिवराज हर साल राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर विशेष पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं और इस बार भी बरखेड़ी के इस राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा की। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। रात से राधा कृष्ण मंदिर ठाकुर बाड़ियों में भगवान के भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचने शुरू हो गए। बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर कृष्ण मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। रायपुर के सभी मंदिरों में विशेष सजावट, समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, विशेष आयोजन। अलग अलग शहरों में, राजधानी समेत अलग अलग शहरों में दही हांडी भी आयोजित की गई। इधर अंबिकापुर के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस प्राचीन मंदिर में सुबह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग यहां पर पहुंचे। रायपुर में भी खासा उत्साह अलग अलग मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर, साथ ही साथ दही हांडी के अलग अलग आयोजन। गोविंदा तो गोविंदा, गोपियों ने भी इस बार हांडी फोड़ने की तैयारी की थी। और अब बैतूल से बड़ी खबर। रेलवे स्टेशन के शेड पर आत्महत्या करने के लिए एक युवक चढ़ गया। ओएचई केबल पकड़कर आत्महत्या के प्रयास का यह पूरा मामला है। जीआरपी के जवानों ने सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद करवाई, फिर शेड पर चढ़कर युवक से काफी देर बातचीत की। बहुत समझा बुझा कर इसे नीचे उतारा गया, लेकिन तकरीबन एक घंटे तक, इस पूरे हाई वोल्टेज के चलते एक घंटे तक रेल यातायात प्रभावित हुआ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की यह पूरी घटना है। ये देखिए किस तरीके से इसे पकड़कर लाया गया। बहुत समझाइश दी गई, इस तरह से तार छूने की बार बार धमकी दे रहा था, इससे लटकने की धमकी दे रहा था। तेरे घर परिवार वालों को क्या होगा उसके बाद, ये सोच। अगर बिजली सप्लाई के साथ इस तार को ये छूता तो बुरी तरह झुलसकर इसकी मृत्यु हो जाती। पर कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इसे समझा इसे नीचे उतार लिया गया। ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरा घटनाक्रम बताएं जरा। जी देखिए, आज ये दोपहर की घटना है। एक युवक चढ़ गया था रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जो शेड बना हुआ है उसके ऊपर ये युवक चढ़ गया था और आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था, क्योंकि जो ओवरहेड केबल होता है उसमें काफी हजारों वॉट का करंट होता है और उसके जरा से भी संपर्क में आने से उसकी जान जा सकती थी। इसलिए जब जीआरपी को इस पूरे मामले की सूचना मिली तो उन्होंने सबसे पहले जो है बिजली सप्लाई बंद करवाई। उसके बाद 3 जीआरपी के जवान जो है शेड के ऊपर चढ़े। युवक बार बार कूदने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे प्यार से बातों में लगाया गया और उसके बाद उसको बहुत ही जद्दोजहद के बाद जो है उसका रेस्क्यू किया जा सका। युवक की पहचान कर ली गई है। जानकारी मिली है कि उसका नाम राकेश ध्रुवे है, जो कि बैतूल के साईखेड़ा थाना क्षेत्र के जूनापानी गांव का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि कुछ निजी कारणों से उसकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है और इसी वजह से वो आत्महत्या करने के लिए चढ़ा था। फिलहाल जो है बिजली सप्लाई वापस शुरू करके रेलवे यातायात सामान्य किया गया है। कुछ देर के लिए काफी हंगामा की स्थिति हुई और अगर जीआरपी के जवान सूझबूझ नहीं दिखाते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी और युवक को काफी नुकसान भी हो सकता था। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये युवक जिसे कड़ी मशक्कत के बाद समझाया बुझाया गया और फिर यहां जाकर इसे पकड़ा गया, किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, तस्वीरों के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये इस वक्त देख रहे हैं। रेल यातायात तकरीबन 1 घंटे तक बाधित रहा। तेरे घर परिवार वालों को क्या होगा उसके बाद, ये सोच।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।